जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए एक हम ट्रिक लेके आए हैं, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। सपोज़ एक नंबर ले लें 24। 24 का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 का 6 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी हो गया। अब इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 8 2 16, 16 प्लस 1 17। तो 17 का 7 यहाँ पे नोट करेंगे, इसका 1 कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब ये फर्स्ट हमारा नंबर है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 प्लस 1 5, तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576। अब एक नेक्स्ट नंबर और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं, इससे आपको इजी समझ में आ जाए। नंबर ले लिया हमने 59, तो 59 का स्क्वायर, लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 9। तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, 8 हमारा कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 45 45 2 90 90 में 8 ऐड करेंगे तो 98 हो जाएगा। 8 को हम यहाँ पे नोट करेंगे और 9 हमारा कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब फर्स्ट डिजिट है हमारा क्या? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34। तो 59 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 4 8 1। अब एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे नंबर 3 जी नंबर ले लिया, 106। अब इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? सेम ट्रिक, ये 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। तो 6 लिखेंगे, 3 कहाँ चला जाएगा? कैरी में। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120, 120 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 123। तो 123 का 3 यहाँ पे नोट करेंगे, कितना कैरी हो गया? 12। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 में 12 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 112। तो 106 का स्क्वायर क्या हो गया? 111236। और भी कोई नंबर ले लीजिए, इसी तरह स्क्वायर्स फाइंड करिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।